The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। बच्चों में अगर उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? अव्वल तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने पीडियाट्रिशियन से आप बात करें, मगर कई बार आप खुद ही घर में कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मली बच्चों की जो वॉमिटिंग होती है, मेन रिस्क क्या होता है, वो होता है कि वॉमिटिंग में वाटर लॉस हो जाए और डिहाइड्रेशन हो जाए। कई बार उसके साथ बुखार होता है, कई बार गला खराब होता है, पसीना भी आ रहा होता है, तो फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, खासकर अगर वॉमिटिंग के साथ साथ डायरिया भी हो रहा हो। तो ऐसे में वॉमिटिंग अगर ज़्यादा हो जाए, लंबी हो जाए, तो बच्चों के इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड की भी लॉस हो जाता है, वो भी बहुत कमी हो जाती है। तो इन मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे नर्व इंपल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन और बॉडी के फ्लूइड बैलेंस के लिए। तो ऐसे में इनको रिप्लेनिश करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक आपको याद रखना है कि किसी को भी बार बार वॉमिटिंग हो रही है या फ्लूइड लॉस हो रहा है, उसे रिप्लेनिश करना जरूरी है। सो ऐसे में अगर कहीं आप वॉमिटिंग बार बार, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, लेकिन पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोल ORS, कोकोनट वाटर बहुत ज़रूरी है कि बच्चा लेते रहे। अगर बच्चा मुंह से कुछ नहीं ले पा रहा है, तो फिर उन्हें फ्लूइड्स देने पड़ते हैं फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, डिहाइड्रेशन को ट्रीट या प्रिवेंट करने के लिए। जितना छोटा बच्चा है, उतना ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उनके शरीर जो है लेस एफिशियंट होता है कि वो कंजर्व कर सके वाटर। बड़े बच्चों में उतना क्षमता होती है वो सहन कर लें, छोटे बच्चे, छोटा बॉडी, तो ज़्यादा वाटर लॉस जल्दी डिहाइड्रेशन कर देता है। ऐसे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कि बच्चा जो है सिप्स ऑफ वाटर लेते रहे, इवन इफ अगर वो पीना नहीं चाहता पूरी तरह से, तो सिप 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 ले सकता है। इवन आइस चिप्स या आइस के साथ जो होते हैं, वो भी आप उसे दे सकते हैं कि वो सक करते रहे, चूसते रहे, अगर बच्चा जो है बढ़िया से पी पा नहीं रहा। तो बच्चे के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन से आप एक रिहाइड्रेशन, कॉमर्शियल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, इलेक्ट्रोल, नारियल पानी जैसी चीज़ें भी आप दे सकते हैं, जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम होता है, रिप्लेनिश हो जाता है उससे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी भी। सो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको समझनी। और थोड़े बड़ा बच्चा है, तो उसको आप स्पोर्ट्स ड्रिंक वाली चीज़ भी दे सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा शुगर भी होता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, और आप जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट हैं, जो शुगर हैं, वो भी हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर नहीं देना है आपने, नहीं तो उससे डायरिया और ख़राब हो सकता है। अब बच्चा जो है, अगर वो प्लेन वाटर से कुछ और फ्रूट जूस या कोई हाफ डाइल्यूटेड जूस या कोई फ्लैट सोडा जैसी चीज़ भी लेना चाहे, तो आप उसे सिप सिप करके दे सकते हैं। सो किसी भी प्रकार का लिक्विड हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोलाइट वाला लिक्विड और हेल्प करेगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, बच्चा नहीं पी पा रहा, पानी नहीं पी पा रहा है, ड्राई माउथ है उसके, अगर बच्चा रो रहा है लेकिन आंसू कम आ रहे हैं, पेशाब कम आ रहे हैं, तो अर्जेंट, तो उसका मतलब है कि बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाए तो बहुत सीरियस सिचुएशन आ सकती है। ऐसे में फिर आप बिल्कुल देरी ना करें, बच्चों के डॉक्टर से जाके मिलें, ठीक है? सो दिस इज़ द बेसिक थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सबको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।